एक बात बताओ, ये जो सुबह के वक्त सूरज आता है और शाम के वक्त जब ये ढलता है, तो ये सूरज के आने और ढलने में जो वक्त लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि कितना वक्त लगता होगा इसको? जब सुबह सुबह सूरज उगता है तो उसकी पहली किरण आती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से दिन होना स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम से रोशनी हो जाती है। कभी सुबह के वक्त इस अगर तुम मंजर को देखो तो शायद तुम्हें समझ आएगा कि वक्त लगता है। एकदम से ना सूरज आता है ना एकदम से सूरज ढलता है। मतलब इसका कोई बटन नहीं है, कोई ऐसा स्विच नहीं है कि आपने वो ऑन किया या फिर उसके बाद ऑफ किया और चुटकी की तरह चीजें हो जाती हैं। और इसी तरह जब सूरज ढलता है तो आसमान में कितने तरह के रंग बदलते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगता है। वक्त लगने के बाद फिर एक टाइम आता है जब सूरज ढलने लगता है, दोपहर से लेके शाम और फिर शाम से लेके रात। और जब ये सूरज उसमें अपना काम कर रहा होता है तो हर एक वक्त, हर एक टाइम, हर एक मंजर जो है वो अपनी खूबसूरती लेके आता है उसमें। मतलब इसका कोई स्विच नहीं होता है, कोई बटन नहीं होता, कोई ऑन ऑफ नहीं है जिंदगी में हमारी ना। तो बस आपको यही याद दिलाना था कि तुम इस वक्त जहां पर भी हो, जिस मुकाम पर भी हो, जहां जाना चाहते हो, वक्त लगता है। और आगे बढ़ने में एक एक सीढ़ी का अपना मजा है। अगर एकदम से कहीं पे पहुंच जाओगे तो फिर सफर का मजा कैसे लोगे, यादें कैसे बनेंगी, किसी को क्या कहानी बताओगे? माय नेम इज उमर ताहिर और आप सुन रहे हैं उमर ताहिर टॉक्स मेरे यूट्यूब चैनल पर। और बहुत सारी ऐसी और वीडियोस आप सुन सकते हैं उमर ताहिर टॉक्स के नाम से। हो सकता है कि जिंदगी में किसी मोड़ पे ये आपकी मदद करें। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि चीजों के होने में ना वक्त लगता है और वक्त लगना भी चाहिए। मतलब दुनिया में कोई भी चीज है, हर चीज में वक्त लगता है, और खूबसूरती भी उसी में होती है जिसमें वक्त लगता है। आप रिश्तों को ही देख लीजिए, अपने ऐसे दोस्त याद कीजिए, वो पहली मुलाकात जो किसी के साथ आपकी थी उस वक्त में और अब के वक्त में कितना फर्क है और कितना सफर तय कर लिया है आपने। कहीं पे 10 साल हैं, कहीं पे 5 साल हैं, कहीं पे 20 साल का रिश्ता है, तो कहीं पे सालों का रिश्ता है। वक्त लगा ना, कितने खुशी और गम के मौके साथ में आए होंगे, कितने सेलिब्रेट साथ में किए होंगे, कितने त्योहार एक साथ मनाए होंगे, कितनी ईदें होंगी और इसी तरह के और बहुत सारे त्योहार। और वक्त की ना यही खासियत भी होती है कि ये जहाँ पे लगता है या जहाँ पे ये अपना रास्ता बनाता है, वहाँ पे आपके रिश्ते गहरे होते जाते हैं। आप रिश्तों को छोड़िए, आप किसी भी फूल की एग्जांपल ले लीजिए। कोई भी फूल है यार, उसके खिलने में वक्त लगता है, एक पूरा प्रोसेस होता है। एवरीथिंग टेक्स इट्स ओन टाइम, हर चीज़ का एक अपना वक्त है और चीज़ें वक्त पर ही अच्छी लगती हैं। और ऐसा नहीं होता कि एकदम से आप किसी भी बागीचे में चले जाएं और वहाँ पे जाके गमला रख दिया और पानी भी खूब दिया, उसके एनवायरनमेंट का भी, रोशनी धूप हर चीज़ का ख्याल रखा और बैठ गए वहीं पर के अब फूल आएगा, कल को आएगा, परसों को आएगा। ऐसा नहीं होगा, वक्त लगता है, फूल अपने टाइम पर ही खिलेगा क्योंकि एक प्रोसेस है। और एक बात और जो बहुत ज़रूरी है कि ये जो आपने फूल अपने बागीचे में रखा है, इसको आप दूसरे बड़े फूलों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि वो खिले हुए हैं या वो आपको खुशबू भी दे रहे हैं और ये खुशबू नहीं दे रहा है, क्योंकि वो अपने टाइम पे खिले थे और ये जो फूल आपने रखा है इसका अभी टाइम नहीं आया है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बहुत नाइंसाफी करेंगे आप अपने साथ भी और नेचर के साथ भी। और इसी तरह हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, हर एक की एक अपनी ग्रोथ होती है, हर एक का अपना एक टैलेंट होता है। तो जब आप अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं तो आप बहुत नाइंसाफी कर रहे होते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं कि इंस्टेंटली ग्रैटिफिकेशन या इंस्टेंटली अगर आप चेंज चाहते हैं तो ये दोनों चीज़ें ही गलत हैं। मतलब ये मुमकिन नहीं होता। और अगर आप
खींच खूंच के इसको मुमकिन कर भी लेते हैं, थोड़ी सी इंटरवीन करके आप इसको मुमकिन कर भी लेते हैं, तो फिर वो मज़ा नहीं रहता है। आप ज़िंदगी को इंजॉय नहीं कर पाते, आप प्रोसेस को इंजॉय नहीं कर पाते, आप सफ़र को इंजॉय नहीं कर पाते। मतलब बिल्कुल ऐसे ही है कि ये जो एसी या ठंडक होती है ना, ये भी आपको तभी भाती है, इसका मज़ा भी तभी है जब आपने कड़क धूप में काम किया हो या आपको पसीना आया हुआ हो, तभी आप इसकी अहमियत को जान सकते हैं। तो इसीलिए बस आपको यही कहना था कि यार वक्त लगता है किसी भी चीज़ में, अपनी ज़िंदगी में ना थोड़ा सा ठहराव लेके आओ। ये जो ज़िंदगी में ठहराव होता है ना, इसका एक अपना ही मज़ा होता है। अगर सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना चाहोगे और अगर सब कुछ वाकई में जल्दी होना शुरू हो गया, तो ज़िंदगी की बहुत सारी ऐसी हकीकतें हैं, ज़िंदगी की बहुत सारे ऐसे राज हैं जो नहीं जान पाओगे। तो बस बात शुरू भी यहीं से की थी और बात ख़त्म भी यहीं से करूँगा कि वक्त लगता है, खुद को थोड़ा वक्त दो।